अब साबूदाना का वड़ा तो हम हर बार बनाते ही रहते हैं, तो आज हमने नए तरीके से स्टफिंग भर के साबूदाना का कबाब बनाया है। कबाब एकदम टेस्टी और क्रिस्पी बना है और अंदर का स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए जल्दी से कबाब बनाने की शुरुआत करते हैं। साबूदाना को भिगो लेंगे। एक कप साबूदाना है 150 ग्राम जितना, इसे हम बाउल में डाल देंगे। साबूदाना को 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। स्ट्रेनर में डाल के पानी निकाल लेंगे। पानी हमने निकाल लिया है, वापस इसे बाउल में डाल देंगे। इसी तरह से और 2 बार इसे धो लेंगे। 3 बार इसे पानी से धोया है, अब इसमें पानी डाल के भिगो के रखेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही, आधा कप पानी हमने डाला है। ढक्कन लगा के 3 से 4 घंटा साबूदाना को भिगोएंगे। इसे भिगोए हुए 2 घंटा हो चुका है, तो एक बार इसे फोक से चला लेंगे ताकि इसका दाना एक एक सेपरेट रहे और ये अच्छे से भीग जाए। वापस ढक्कन लगा के रखेंगे इसे। 3 बड़ा आलू कबाब बनाने के लिए और 1 छोटा आलू स्टफिंग के लिए बॉईल किया है। कबाब में भरने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। 1 छोटा आलू बॉईल किया है, इसे मैश कर लेंगे। फ्रेश नारियल को कद्दूकस करके लिया है, ये 3 टेबलस्पून है। 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 1/3 कप फरसान की सेवली है, इसके बदले में आप भावनगरी गाठिया या फरसान की पापड़ी आती है वो भी ले सकते हैं। अगर गाठिया और पापड़ी आप ले तो इसे हाथ से थोड़ा क्रश करके ले सकते हैं। 1 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, हरा धनिया एकदम बारीक चॉप करके लेना है। मूंगफली को भून के इसका रफली पाउडर बनाया है, ये 1 टेबलस्पून है, मिक्स कर लेंगे। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून फरसान की सेव और डालेंगे। सब बराबर से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को टेस्ट करके देख लेना है, अगर नमक कम है तो आप थोड़ा डाल सकते हैं। स्टफिंग का बॉल बना लेंगे। इस तरह से छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। स्टफिंग का बॉल बना लिया है। अभी कबाब का मिश्रण बनाएंगे। 3 आलू को बॉईल किया है, ये 1 बाउल में ले लेंगे। इसे मैशर से मैश कर लेंगे। मसाला डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून नमक, या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। मूंगफली को भून के इसका रफली पाउडर किया है, 4 टेबलस्पून मूंगफली का पाउडर है, 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर, 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, इसके बदले में आप मैदा या आरारूट डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने अच्छे से मिक्स किया है। साबूदाना को हमने 4 घंटा भिगो के रखा था और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से भीग गया है, एकदम सॉफ्ट बन गया है। ये अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए। ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स किया है, इसे टेस्ट करके देख लेना है। नमक अगर कम है तो थोड़ा और नमक डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक मैं और डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ पे थोड़ा तेल लगा लेंगे। इस तरह से एक बॉल बनाएंगे और इसे थोड़ा हाथ से दबा के फ्लैट कर लेंगे। स्टफिंग का बॉल जो हमने बनाया है ये बीच में रखेंगे और इस तरह से सील कर लेंगे।
इस तरह से थोड़ा फ्लैट करके इसे टिक्के का शेप दे देंगे। इस तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। इस तरह से टिक्के का शेप देना है। साबुदाना का कबाब हमने बना लिया है, इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप अगर चाहे तो इसी टाइम पे इसे फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से कबाब रेडी करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और जिस टाइम पे सर्व करना है उसी टाइम पे आप इसे फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। हमने इसे फ्रिज में रखा था, एक घंटा हो चुका है, तो अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, तेल गर्म हो गया है। साबुदाना की टिक्की को अंदर डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी फ्राई हो जाए नीचे से, लाइट गोल्डन ब्राउन थोड़ी हो जाए तो इसे टर्न कर लेंगे। धीरे से पलट के इसे फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे उलट पलट के इसे फ्राई कर लिया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, इसे निकाल लेंगे। कबाब एकदम क्रिस्पी बना है, इसकी आवाज़ से ही हमें पता चल जाता है कि कबाब कितना क्रिस्पी बना है। इस तरह से बाकी की टिक्की को भी फ्राई कर लेते हैं। कबाब को हमने फ्राई कर लिया है और इसे हमने टोमेटो सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।